अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 से 12 अगस्त 2012 के अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तदा होगी बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका आखिरी सर अमरीश यकम तक 23 अगस्त जायजा के सातवें घर में रहते हुए आपकी शराफती और अजवाजी जिंदगी को अहमियत का हामिल बनाने के अलावा अजाफी तवज्जो मबजूल करने का बायस भी बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 6 अगस्त को अपने मुलाजमती उमूर पर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि इसकी वजह से आपको अहम मुलाजमती जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 7 अगस्त को अपने मातहत काम करने वालों की कारकर्दगी से मुतमईन हो सकेंगे। 8 अगस्त को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 9 अगस्त को अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 10 अगस्त को किसी ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनिएगा जिसका आपसे बराह रास्त कोई भी ताल्लुक ना बनता हो। 11 अगस्त को कोई भी आतिश मिजाज, गर्मी खोरा, कोई ज्यादा बिल्कुल हाइपर मिजाज का बंदा जो है, आपका करीबी अजीज जो है, वो आप पर गालिब रहने की कोशिश कर सकता है। आपको मुतहम्मल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए इस चीज को जरा टैकल करना होगा ताकि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा मामला ना हो जिसमें आपके लिए मुश्किल पेश आ जाए। 12 अगस्त को कारोबारी उमूर में आपकी मसरूफियत रहेगी और बाकी मामला जो शायद वो रूटीन के मुताबिक चलते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 7 अगस्त जायजा के खाना माल में होने की वजह से आपके माली उमूर और वसाइल में इजाफा मुमकिन बना सकेगा, जबकि 8 से 31 अगस्त जोरा जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपकी सर तफरी के जज्बात पैदा करने के अलावा अजीज वकारब से खास लगाव के एहसास को भी मजबूत कर सकेगा। 10 और 11 अगस्त को जोरा नेपच्यून तसलीस होगी जिससे आपके इश्क मोहब्बत से मुतलका उमूर सेंसिटिव हो जाएंगे, हसास रहेंगे, लेकिन मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करके अपनी मुस्बत सोच की अकासी जरूर कर सकेंगे। यकीनी तौर पर ये सारी जो काया पलट है ये आपके अपने इंडिविजुअल फैसलों की वजह से होगी, इससे आप में मजीद ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगे, यानी ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, मजीद कुछ बातें और आपके अंदर से निकलेंगी जिनको लेके आपको आगे चलना होगा और जिंदगी को मजीद रंगारंग बनाना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 6 अगस्त को मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने के अलावा अपने अजीज व अकारब से तजदीद मरासम कर सकेंगे। 7 अगस्त को अंदरून मुल्क जो है वो या मुकामी खुशगवार सफर पेश आ सकेंगे। 8 अगस्त को जिस चीज की आपको तलाश है या तलाश होगी वो कोई पुरानी या बहुत दूर की बात होगी, जब बात सामने आएगी तो आपकी तलाश भी खत्म हो जाएगी। 9 अगस्त को आपको मामूली चीजों की अहमियत का पता चल जाएगा। 10 अगस्त को कारोबार या रोमांस के मुतल्लिक कोई अहम पैगाम मिलने की उम्मीद जो है वो पैदा हो सकती है। 11 अगस्त को सेहत, हिम्मत और तवानाई में इजाफा हो सकेगा। 12 अगस्त को सवारी से मुतल्लिका यानी आपकी पर्सनल जो कन्वीनियंस है उसके मुतल्लिका मसाइल के खात्मा में पेशरफ्त हो सकेगी, कुछ थोड़ा सा मामला आगे बढ़ सकेंगे। ये मामला जो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकेगा लेकिन उसमें काफी पॉजिटिव जो एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 8, 10 और 11 अगस्त के हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा तारा तमाम मजाजे के तीसरे घर में रहते हुए यकम था 8 अगस्त रुजत में होगा, जिससे ये जो हफ्ता है आपके लिए काफी हद तक एहतियात तलब होगा, जबकि 9 से 31 अगस्त तारत के मुस्तकीम होने से दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन होने के साथ साथ अजीज व अकारब का तआवुन भी हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 6 अगस्त को सितारे आपके माली मसाइल के हल में आपके मामिन रहेंगे, मददगार रहेंगे। 7 अगस्त को खानदानी तकरीबात में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। 8 अगस्त को खुद एतमादी और बहादुरी की वजह से यानी कुछ दिलेराना फैसले करेंगे जिसकी वजह से आपको कोई इनाम भी मिल सकता है या कम अज कम अप्रिसिएशन जरूर मिलेगी। 9 अगस्त को जो काम खतरनाक मालूम होता था उसको आप अपने काबू में कर सकेंगे, ग्रिप में ले सकेंगे। 10 अगस्त को ऐसे में आपको मालूम होगा कि जैसे वक्त आपका साथ दे रहा है, इसकी वजह से आप बहुत सारे नए काम जो है उनका आगाज कर सकेंगे। 11 अगस्त को कुछ साथी रजाकाराना तौर पर आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। 12 अगस्त को खाने पीने में नमक, चीनी और चर्बी की कम मकदार इस्तेमाल करना आपके फायदे में रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।